नमस्कार दोस्तों, 2023 में बॉलीवुड के जंगल का राजा एक ही बंदा है, शाहरुख खान। जी हां, 2023 की शुरुआत फारूक खान से हुई थी और अलविदा भी शाहरुख भाई के साथ किया है। और ये तो वही बात हुई कि मनुष्य का जन्म भी हॉस्पिटलों से होता है और दायंड भी हॉस्पिटलों के साथ बोलना पड़ता है। शाहरुख खान ने 2023 के शुरुआत में पठान, जवान जैसी एक्शन फिल्में दी है और साल की दायंड में डंकी जैसी इमोशनल ड्रामा फिल्म दी है हमारे बीच। और भाई लोगो, यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म धूम 4 से कमबैक करने वाले हैं शाहरुख खान 2024 का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे शाहरुख खान की 2024 में आने वाली फिल्म धूम 4 के बारे में। पर उससे पहले जो भाई लोग शाहरुख खान के फैन है और धूम 4 फिल्म के दीवाने हैं, वो भाई लोग दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसा कि शाहरुख खान ने 2023 में फैंस का दिल जीत लिया था पठान, जवान, डंकी फिल्म से और पानी की तरह पैसे कमाए, वहीं सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म में भी कैमियो रोल किया था SRK ने। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि 2024 में शाहरुख खान चोर के रूप में धूम 4 फिल्म में ऐसा धुआं उठाने वाले हैं कि देखने वालों की नीचे वाली फट जाएगी। सिस्टम पार देंगे। और धूम 4 फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है, जिनकी 2024 जनवरी के शुरुआत में फाइटर फिल्म रिलीज होने वाली है 25 जनवरी को। शाहरुख खान 2024 में धूम 4 फिल्म से ऐसा धुआं उठाने वाले हैं कि आप लोग भी बोलोगे, शाहरुख भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, शाहरुख भाई सिस्टम फाड़ देंगे। और धूम 4 फिल्म की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि RRR फिल्म के रामचरण भी पुलिस वाले का रोल निभाने वाले हैं धूम 4 फिल्म में। धूम 4 फिल्म 2024 के दायंड में रिलीज हो सकती है। वही शाहरुख खान की डंकी फिल्म ने भी 7 दिनों में 290 करोड़ रुपए छाप लिए हैं दुनिया भर में। तो फाइनली भाई लोगों, कौन कौन भाई लोग SRK किंग खान की धूम 4 फिल्म का इंतजार कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाइम टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों एक और कड़क वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।